हेलो दोस्तों, इंजीनियर दिलीप प्राक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे UPSC आयोग द्वारा JEE की वैकेंसी में जो लोग फॉर्म भरे थे उनका रिजेक्शन लिस्ट निकाला गया है, और एक कहा गया कि जिनके फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर में कुछ कमियाँ हैं तो फिर से पुनः अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि UPSC जिस पोस्ट का एग्ज़ाम कराना होता है उसका पहले रिजेक्शन लिस्ट जारी करती है और फोटो सिग्नेचर सुधरवाती है, जो कि कैंडिडेटों को मौका देती है कि पुनः वो अपना जिसमें कमी हो अपलोड कर सकते हैं। तो ये JEE 2016 का और JEE 2018-19 में जो फॉर्म निकला था वो दोनों का UPSC ने जारी कर दिया है। तो कैंडिडेट अपना देख लें कि जिसका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है उसमें जो कमी है फ़ोटो या सिग्नेचर में वो अपना अपलोड कर ले, क्योंकि इसका लास्ट डेट 11 मार्च तक है, 11 मार्च तक है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग अपना करेक्शन कर ले और जो भी कमियां है वो अपना सही कर ले, क्योंकि UPSC JEE एक करेक्शन करवाने के बाद 1-2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम करवा देगी। उसका रिकॉर्ड है UPSC का, जो भी एग्ज़ाम कराना होता है पहले रिजेक्शन लिस्ट जारी करती है, उसके बाद एडमिट कार्ड 1-2 महीने बाद जारी कर देती है और एग्ज़ाम कराती है। तो दोस्तों, आप लोग सरकारी रिजल्ट पर जाके दे सकते हैं 2016 और 18 दोनों का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है, और इसका करेक्शन करने का लास्ट डेट 11 मार्च है। तो इससे पहले आप लोग अपना रिजेक्शन लिस्ट जारी जो किया गया उस देख कर अपना कर ले। और यहाँ पर आप लोग बता देता हूँ कि जो 2018 में उसमें 541 कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट में हैं, और जो 16 में हैं उसमें 150 के करीब, 141 के करीब रिजेक्शन लिस्ट में हैं। तो दोनों लोग अपना जाकर सरकारी रिजल्ट पर दे दिया गया, अपडेट कर दिया गया है, वहाँ पे अपना लिस्ट देख लें और जो भी कमी है अपना सुधार लें। तो थैंक यू दोस्तों, यही जानकारी देनी थी आप लोग को। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कोई भी अपडेट है तो उससे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, ये जान लें कि एकमात्र ऐसा चैनल है जिससे कोई भी टेक्निकल संबंधी जैसे AEE JEE 2 मेंटेनर आदि कोई भी न्यूज अपडेट या वैकेंसी से संबंधित पहले आप लोग को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ओके, थैंक यू, यही जानकारी देनी थी।